दोस्तों नमस्कार। महान संत एवं अग्रेश्वर श्री किनारम बाबा जन्मस्थली रामगढ़ में मैं आप सबको दर्शन हेतु लाया हूँ। लीजिए दर्शन कीजिए। ये रामगढ़ जन्मस्थली में किनारम बाबा का प्रवेश द्वार है। यहीं पर किनारम बाबा की एक सुंदर सी तस्वीर लगी हुई है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं दर्शन हेतु बाबा किनाराम जी के। हर हर महादेव। इसमें बलुआ पुल पे से गुजर रहे हैं। दोस्तों भारत भूमि सदैव से ही संत महात्माओं की तपस्थली रही है। इसी के क्रम में आज एक नाम बाबा किनाराम का है जो कि अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। इनकी जन्मस्थली रामगढ़ में आप सबको मैं लिए चल रहा हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। मैं बलुआ पुल से चहनिया जा रहा हूँ और रास्ते में ये डिक्की ढलान है और आगे ब्रेकर है और यहीं से दाहिनी तरफ सराय जाने के लिए गांव में रास्ता बना हुआ है और ये सामने पुलिस की छोटी सी पिकेट बनी हुई है जहाँ से पहले हम लोग बलुआ गांव में जाते थे और वहीं से पिपा पुल होते हुए उस पार जाते थे। ये पेट्रोल पंप और ये सामने गाड़ियाँ जाती हुई और मेरे दाहिनी तरफ दक्षिण साइड में सराय गांव है और ये आगे थोड़ी दूर जाने पर सराय की नहर होगी। नहर पर एक रास्ता कटता होगा जो कि सीधे चला जाएगा लक्ष्मणगढ़ गुरेरा होते हुए और एक रास्ता सीधे सामने चहनिया जाएगा, तो हम लोग चहनिया की तरफ चलेंगे। यही रास्ता है जो कि गुरेरा होते हुए लक्ष्मणगढ़ की तरफ जाएगा चहनिया से सैदपुर रास्ता क्रॉस करके और इसमें हम लोग चहनिया जा रहे हैं। इस समय धुंध से भरा हुआ मौसम है और जनवरी के आज 4 तारीख है, 4 जनवरी 2023। आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। 2023 आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ मैं आप सबको एक बाइक राइड चहनिया होते हुए बाबा किनारम बाबा आश्रम तक ले चलूँगा। तुम बने रहिए मेरे चैनल पर, वीडियो के अंत तक आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे दिखाऊंगा मैं। चहनिया प्रवेश करने से पहले ही दाहिने साइड में डिग्री कॉलेज और बाएं साइड में इंटर कॉलेज माँ खंडवारी देवी इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज है। हम लोग चहनिया मंडी के पास पहुंच चुके हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। मेरे दाहिनी तरफ एक खूबसूरत मंदिर, चहनिया से सैदपुर का रास्ता है। और इसी रास्ते पर बलुआ सराय नहर आकर से जो रास्ता आता है यहीं क्रॉस करके लक्ष्मणगढ़ होते हुए रैया होते हुए रामगढ़ चला जाएगा और इसी रास्ते पर बाबा लच्छू ब्रह्म बाबा का मंदिर है। आगे बढ़ते ही मैं आपको दिखाऊंगा लच्छू ब्रह्म बाबा का मंदिर।
श्री लच्छू ब्रह्मपाप मंदिर। जी हाँ, आपने देखा लच्छू ब्रह्मपाप मंदिर। यही वो रास्ता है जो कि बलुआ नहर से आया था, जो कि सीधे लक्ष्मणगढ़ चला जाएगा। चलिए चलते हैं लक्ष्मणगढ़ होते हुए रामगढ़ बाबा के, नारायण बाबा के धाम पर। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है मेरे चैनल पर। ये सामने रामगढ़ बैराट से लेकर रामगढ़ तक का पूरा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। यहीं से आगे 1 किलोमीटर जाने पर बाबा किनारम का जन्मस्थल रामगढ़ स्थित है। तो आइए मेरे साथ चलिए, रामगढ़ में बाबा किनारम के जन्मस्थली पर आपको दर्शन कराता हूँ। जय बाबा किनारम महाराज। आपको बताते हुए चलें कि बाबा किनारम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अघोर चतुर्दशी को सन 1601 में रामगढ़ के अकबर सिंह के घर में हुआ था, एक क्षत्रिय कुलीन परिवार में। तो आइए चलिए चलते हैं बाबा किनाराम की जन्मस्थली में। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं बाबा किनारम बाबा आश्रम आया हूँ। ये त्रिकुंड कहा जाता है कि इस त्रिकुंड के सभी चारों घाटों का पानी का स्वाद अलग अलग है और इन घाटों के पानी पीने से अलग अलग रोगों का निदान बाबा की कृपा से होता आया है। प्रिय भक्तगण, कुआ का जल नहीं या औषधि है, रोगी दुखी दूर दराज से स्नान करने आते हैं। कृपया आप लोग 2 बाल्टी से अधिक न नहाएं, बहन बेटी माँ की इज्जत करें और तुरंत घाट छोड़ दें। अपनी कृपा देखा, ये भगवत किनारा बाबा का प्रवेश द्वार। बंबा गंगाराम जी, ये विवाह मंडप। आइए अब हम आपको बाबा किनारम बाबा के जीवन के बारे में बताते हैं। बाबा का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था, लेकिन 2-3 वर्ष के बाद ही गौना पूर्व पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसका आभास इन्हें एक दिन पहले ही हो गया था। इसके बाद इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और इनकी दीक्षा कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के शिवाराम जी से हुई। आइए अब हम आपको पूरे परिसर का दर्शन कराते हैं, चलिए मेरे साथ।
जय बाबा किनाराम जी। अब हम बाबा के अन्य यात्राओं के बारे में बात करते हैं। बाबा ने जब गिरनार की यात्रा की थी तो वहाँ पर दत्तात्रेय के दर्शन हुए थे बाबा को। परम सिद्ध अवगुणों को गिरनार पर्वत पर आज भी दर्शन होते हैं इनके। वहाँ पर जूनागढ़ नवाब को सबक सिखाया। जूनागढ़ नवाब भिक्षा मांग रहे साधु संन्यासियों को ये बाबा की चक्की चलवाता था, उसके बदले में उसे मेहनताना के रूप में कुछ अनाज देता था। जब बाबा किनाराम को उसने बंदी बनाया तो बाबा ने अपने छड़ी से एक साथ कई चक्कियों को चलाया, जिससे करके नवाब बहुत लज्जित हुआ और सभी को 2.5 पाव आटा देना स्वीकार किया और सभी लोग वहाँ उसके कैद से छूट सके। उसके बाद उत्तराखंड के हिमालय में घोर साधना करने हेतु चले गए। वापस काशी आने पर हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम, जो कि स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, से मुलाकात हुई इनकी, जो कि घाट पर खोपड़ियों को चना खिलाते थे, लेकिन इन्होंने उसको अपने मंत्र से रोक दिया। बाबा समझ गए कि ये किनाराम बाबा ही कर सकते हैं। एक बार उन्होंने इशारा एक मुर्दे की तरफ किया, जिसको कि बाबा किनाराम ने जीवित किया और उन्हें त्रिकुंड भदनी ले गए, जिनको कि उनके माँ के पास उन्होंने भेजा, परंतु माँ ने बाबा को समर्पित कर दिया उन्हें और आजीवन बाबा के साथ रहे, जो कि बाबा किनाराम की गद्दी के अगले उत्तराधिकारी बने। बाबा किनाराम ने अपने प्रथम वैष्णव गुरु शिवाराम के नाम पर 4 मठों की स्थापना की तथा अवगढ़ बाबा कालूराम की स्मृति में 4 अवगढ़ गद्दियाँ स्थापित की, जिसमें से त्रिकुंड वाराणसी, देवल गाजीपुर, रामगढ़ चंदौली और हरिहरपुर जौनपुर में स्थापित की। मित्रों, मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।